वेलकम बैक एट मास्टर कैम सीएनसी लेथ ऑपरेशंस ट्यूटोरियल। मास्टर कैम के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे इस कंपोनेंट के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सी ड्रिलिंग के बारे में कि किस तरीके से हम इस पार्ट में सी ड्रिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको होल दिख रहा है वहाँ पर हमें सी ड्रिल करनी है, तो कैसे बेसिकली हम यहाँ पर सी ड्रिल कर पाएंगे। देन साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस पार्ट के लिए कट ऑफ करना है और साथ ही साथ स्टॉक चेंज करना है, तो वो भी किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो में आप तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन समझने वाले हैं। सबसे पहले सी ड्रिलिंग, देन यहाँ पे हम इसे कट ऑफ करने वाले हैं। अब यहाँ पे स्टॉक जब हम कट ऑफ करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो मेन पार्ट रहता है वो पार्ट गायब हो जाता है और स्टॉक एरिया रहता है वो स्पेंडल में बच जाता है। तो उसकी भी ट्रिक बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप एक सिंपल सी ट्रिक का यूज़ करके या एक सिंपल सी कमांड का यूज़ करके जो हमारा मेन पार्ट है उसे रख लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। सो देन इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे जो भी ऑपरेशंस है किस तरीके से हम, साथ ही इसमें बात करेंगे नया टूल पाथ भी किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को बनाना स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने ऑपरेशंस बना रखे उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी जो मेरे ऑपरेशंस हैं एक्स्ट्रा जिन्हें मुझे नहीं चाहिए उन्हें मैंने डिलीट कर दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पर टूल पाथ्स को भी जो अननेसेसरी टूल पाथ्स थे उन्हें भी डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हम समझने वाले हैं सी एक्सिस ड्रिलिंग के बारे में कि सी एक्सिस ड्रिलिंग किस तरीके से होती है और कैसे इसका कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली सी एक्सिस ड्रिलिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा लेवल है नया टूल पाथ क्रिएट कर लेते हैं। नया टूल पाथ हमने इस तरीके से इजीली क्रिएट कर लिया सबसे पहले, एंड देन हमें क्या करना है कि हमारा जो टूल पाथ है उसे रीनेम कर लेना जो भी हम उसको नेम देना चाहें। तो अभी हमारा सी एक्सिस ड्रिलिंग है तो इसके लिए हमें इस टूल पाथ को सी एक्सिस ड्रिलिंग दे दिया है। जब हम सी एक्सिस ड्रिलिंग के अंदर टूल पाथ बनाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल पाथ रहते हैं। इसमें हमें सी एक्सिस ड्रिलिंग करने के लिए हमें क्लिक करना है सी एक्सिस पर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो इस तरीके की सामने स्क्रीन ओपन होती है। बट इस तरीके की स्क्रीन ओपन होने से पहले या सी एक्सिस में ड्रिलिंग करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी रहती है, कुछ प्रिपरेशन करनी रहती है। तो हमें जाना मॉडल प्रिपरेशन में, एंड मॉडल प्रिपरेशन में जाकर के एक्सिस होल पर क्लिक करना है। और ध्यान यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पे एक्सिस दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लाइन एंड सर्किल क्रिएट कर लेना है बोथ साइड, टॉप एरिया में भी और बॉटम एरिया में भी। तो बोथ साइड क्लिक कर देंगे तो हमारे ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ सर्किल सेलेक्ट क्लिक क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से हम उस सर्किल को ऑटोमेटिकली इजीली सिलेक्ट करके ऑपरेशन जो है हमारा वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस कंप्लीट किया है तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सी एक्सिस का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली कर्व क्रिएट हो गया है। अब कर्व क्रिएट होने के बाद लेवल कमांड में जा करके हमने रिमूव कर लिया है जो भी हमारा कंपोनेंट था, क्योंकि हमें सिंपल से कर्व को सिलेक्ट करके ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब देन सी एक्सिस ड्रिलिंग करने के लिए हमें क्लिक करना सी एक्सिस ड्रिलिंग पर और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना हमारा सर्किल जिससे हमें सर्किल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर टूल सिलेक्शन कर लेना है जितने का भी टूल लगेगा। पहले हम सेंटर ड्रिल करेंगे तो नॉर्मल टूल सेलेक्ट करने वाले हैं। देन हमें कटिंग पैरामीटर में आ जाना है और कटिंग पैरामीटर में पैरामीटर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑपरेशन हम सेंटर ड्रिल करने वाले हैं, तो सेंटर ड्रिल के लिए डेप्थ हम कम रखते हैं। तो इस पर्पज़ के हिसाब से इस चीज़ को देखते हुए हमने नॉर्मल डेप्थ रखी है। अब जब हम सी एक्सिस में ऑपरेशन करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमें ध्यान देना रहता है वो यहाँ पर एक्सिस रोटेशन को कंट्रोल करना रहता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हमें यहाँ पर एक्सिस रोटेशन पे रखना है और उसका जो भी हमारा एक्सिस रोटेशन हो रहा है उसका डायमीटर दे देना है। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड डायमीटर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम डायमीटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमें फिर से एक बार रिटर्न आ जाती है हमारी स्क्रीन पर। लेवल से हम फिर से हमारा कंपोनेंट लेकर के आ जाएंगे और जहाँ पर हमारा एक्सिस में जिस डायमीटर पे होल होना है
कुछ डायमीटर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायमीटर वैल्यू इनपुट हो जाएगी। सो इस तरीके से जैसे ही मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा ऑटोमेटिकली एक टूल पाथ क्रिएट हो चुका है कि सी एक्सेस में ड्रिलिंग किस तरीके से होगी। तो ऊपर से टूल आएगा एंड देन जितना हमने डीप दे रखा है उतने mm का होल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सेंटर ड्रिल किया है बट अब हमें बड़ा ड्रिल करना है तो इसके लिए हम इस ऑपरेशन को एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस प्रोग्राम में एडिट कर देते हैं। सबसे पहले हमें टूल एडिट करना है तो जितने डायमीटर का हमारा होल है उतने डायमीटर का टूल ले लेंगे जो कि डिपेंड करता है होल के साइज पे या आर्क के साइज पे। देन हमें कटिंग पैरामीटर क्योंकि अब कटिंग पैरामीटर में देख लेंगे एंड देन यहाँ पे हमें फिट डेप्थ दे देनी है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो होल है इसका वर्कपीस का डायमीटर था 11.6 करके, तो हमारी जो डेप्थ है वो वैल्यू भी हम यहाँ पर जितना हमारा डायमीटर का वैल्यू था उतना ले करके एंड यहाँ पर हम लिंकिंग पैरामीटर पर ओके कर लेंगे जिससे कि हमारा डेप्थ आगे बढ़ जाएगा। टिप कंपनसेशन को ऑन करने के बाद जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे दोनों ही ऑपरेशंस क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा सेंटर ड्रिल एंड देन ड्रिलिंग। सो दोनों ऑपरेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बार 2D टूल पाथ में दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने 2D टूल पाथ ऑन किया तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन रन हो रहा है वो है हमारा सेंटर ड्रिल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सेंटर ड्रिल आया, कटिंग किया एंड देन 6 mm का ड्रिल आएगा और जितना हमने टूल्स को डेप्थ दे रखा है उतने डेप्थ तक जाएगा। तो ये हमारा सफिशियंट है इतने डेप्थ तक जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा अच्छे से होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इजी प्रोसेस करके दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। देन अभी हमें जो अगला ऑपरेशन करना है वो है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा स्टॉक है और पार्ट है उसके बीच में से उसे रिमूव करना है, उस पर्पज़ के लिए हम कट ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अब हमें कट ऑफ में ये है कि हमें जो मेन हमारा पार्ट है वो हमारा इम्पोर्टेंट है तो हम चाहते हैं कि हमारा पार्ट एरिया रहे वो बचा रहे। तो कट ऑफ ऑपरेशन को करने के लिए हमें क्लिक करना है कट ऑफ पर और सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ से हमें कट ऑफ करना है। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फिर से हमें इसी विंडो में आ जाते हैं। अब हमें इस विंडो में क्या करना है, सबसे पहले विंडो में हमें टूल सिलेक्शन कर लेना है। टूल सिलेक्शन करने के बाद फीड दे देनी है और साथ ही स्पेंडल स्पीड दे देनी है और यहाँ पर हम अपना कमेंट लिख लेते हैं जो भी हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर जो एरिया हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉक बचा रहे तो हमें क्लिक करना है स्टॉक पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऊपर का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका अर्थ होगा कि हमारा जो पार्ट है वो स्टील बचा रहेगा और जो स्पेंडल के अंदर स्टॉक बचा है जिसका हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना है वो हमारा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो ये एक बेहद ही अच्छी टिप्स है जिसको आप यूज़ करके जो आपको कट ऑफ में आपको कौन सा मटेरियल रखना है, यदि आप दोनों मटेरियल रखना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम चाहे तो रेफरेंस पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कटिंग पैरामीटर में। जब हम बात करते हैं कट ऑफ के कटिंग पैरामीटर्स में तो कट ऑफ के लिए अर्थ होता है कि हमारा स्टॉक और पार्ट को अलग अलग करना है। तो आप कट ऑफ कितने mm ऊपर से कट करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। देन जो भी है स्टॉक से देना है या कहाँ से देना है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं जो हम इजीली इनपुट कर सकते हैं। तो इजीली आप समझ करके कि आपको कट ऑफ है वो कैसे रहेगा उस चीज़ को, सभी वैल्यूज़ को पैरामीटर्स को हम इजीली इनपुट कर सकते हैं। सभी पैरामीटर को क्रिएट करने के बाद अब हमें पीछे की तरफ जो हमारा कंपोनेंट है उसके लास्ट में हमें एक चैम्फर क्रिएट करना है। तो चैम्फर के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा कट ऑफ का टूल पाथ जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्क पीस में चैम्फर लगेगा एंड देन हमारा टोटली जो पीस है उसमें ऑटोमेटिकली कट ऑफ ऑपरेशन कम्प्लीट हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आप इजीली कट ऑफ ऑपरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि इसमें आपने कट ऑफ में ध्यान से देखा है तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टॉक था वो गायब हो गया है और हमारा जो मेन पार्ट है वो अभी भी स्टील बचा हुआ है। देन इसके बाद जो हमें ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन ये है कि हमारा पार्ट है उसको हमें रोटेट कर लेना है, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं फ्लिप स्टॉक या फिर स्टॉक फ्लिप, जिसका अर्थ है कि हमारा जो राइट एरिया उसे लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट एरिया राइट की तरफ। तो हमें इसके लिए क्लिक करना है स्टॉक फ्लिप पर और यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट का जो भी ज्योमेट्री है, जितनी भी हमारा ज्योमेट्रिकल एरिया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वन जो प्रोसेस रहता है
वो प्रोसेस ये रहता है कि हमें कौन से पॉइंट को फेस में 0 0 रखना है, अर्थात Z0 कौन से पॉइंट पर रखना है, वो पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यही एंड पॉइंट है या एंड एरिया है, तो हमें इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें वर्क डिफाइन करना रहता है कि हमारा जब चेंज हो जाएगा, तो चेंज होने के बाद हमें स्पेंडल को पकड़ना है, या कहूँ कि जॉ से वर्क पीस को पकड़ना है। तो जॉ से वर्क पीस को कौन सी पोजीशन पे रखना है, तो उसे सेलेक्ट करके जिस पोजीशन पे हमें जॉ को क्लैंप करना है या पकड़ना है, उस पॉइंट को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉक का डायरेक्शन जो है बदल चुका है। तो पहले हमारा वर्क पीस जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन, जो भी हमारे फर्स्ट ऑपरेशन थे, वो सभी हमने परफॉर्म कर लिए हैं एंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में आपने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन समझे हैं। तो आइए आपको 3D में सिमुलेशन रन करके दिखा देते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है ड्रिलिंग, देन कट ऑफ एंड स्टॉक रोटेशन। आई विश कि आपको सभी जो भी हमारे ऑपरेशंस थे वो आपको सभी ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।